बसमिल दोस्तों अस्सलाम वालेकुम मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से, से होंगे आज आज दो गुड न्यूज़ हैं और वो भी कनाडा के बारे में हैं तो डिटेल से जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आनी चाहिए तो उससे क्या होता है कि इंसान को एक हौसला मिलता है और वो ज़्यादा वीडियो बनाने की तरफ रागब होता है और फेसबुक पेज नायल कंसल्टेंट जो है उसको भी आप लाइक और फॉलो किया करें पहली गुड न्यूज़ ये है कि कैनेडा ने आपको याद होगा कि फेबरी में फ्लाइट बैन लगाया था डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर कि आप कैनेडा ट्रैवल नहीं कर सकते अनलेस आपके पास को रीज़न ना हो उसके बाद फिर अभी कुछ महीने पहले कैनेडा ने इंडिया से और पाकिस्तान ने डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो भी बैन करी थी कोविड जो हमारे पाकिस्तान में केसेस ऊपर गए थे उसकी वजह से अब अल्लाह पाक पाकिफ़ोक्रम से कनेडा ने आज गुड न्यूज़ दी है कि कैनेडा ने जो डायरेक्ट फ्लाइट पाकिस्तान से इसको बहाल कर दिया है और जो डायरेक्ट फ्लाइट इंडिया से उसको एक्सटेंड वन मंथ के लिए इक्कीस जुलाई तक उसको स्टिल एक्सटेंड कर दिया गया है तो एक गुड न्यूज़ ये है जो बेचारे कुछ पाकिस्तानी हमारे यहाँ पे मौजूद थे जो जाँच आते थे कुछ बच्चे उधर हैं कुछ फाइनली डिवाइडेड थी वो जाँच आ थे अब वो ईज़िली जा सकते हैं आपको पाकिस्तान से डायरेक्ट ट्रांटो की फ़्लाइट मिलती है उस पर आप ट्रेवल कर सकते हैं इंडियन है, मेरे भाई जो है वहाँ पे मौजूद है वो इनडायरेक्ट जा सकते हैं मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाई है वीडियो डिस्क्रिप्शन जो है आप इस टाइम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आप इन किस तरह जा सकते हैं तो ये एक अच्छी न्यूज़ थी दूसरी न्यूज़ दोस्तों बॉर्डर्स कैंडर ने बंद किए हुए थे कि जो आप वहाँ पे जब तक रीज़न नहीं है आप नहीं जा सकते यू के साथ चूँकि कोविड की जो केसेस थे वो यू से बहुत बढ़ रहे थे यू से काफ़ी उसकी आ, जो है इफ़ेक्ट्स कैनेडा में आ रहे थे उन्होंने वो उनका फोकस पहले वो बॉर्डर था वो बॉर्डर तो एक्सटेंड कर दिया गया बट अब एक गुड न्यूज़ ये आई है कि कैनेडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि फिफ्थ जुलाई रात बारह बजे फिफ्थ जुलाई रात बारह बजे से ये बॉर्डर ओपन कर दिया जाएगा और ये किन लोगों के लिए ओपन होगा ये सिर्फ उन लोगों के लिए ओपन होगा कि ये फ़ुली वैक्सीनेट होंगे जी हाँ बिल्कुल जिन्होंने फुली वैक्सीनेशन के कोर्स कंप्लीट किया होगा क्योंकि दो डोज़ हैं आपने वैक्सीनेशन कोर्स कंप्लीट करना है आपने प्रूफ रखना है कि यस आपने वैक्सीनेशन ली है उसका प्रूफ प्रूफ जो है वो आपने इंग्लिश या फ्रेंच में रखना होगा ये इसकी अनाउंसमेंट आज ही की गई है आपको पता है मैंने एक वीडियो बनाई थी मैं क्या जो अब ट्रैवलिंग उन लोगों के लिए होगी जिन्होंने जिनको वैक्सीनेशन लगी होगी हाँ ये काफ़ी लोगों में कन्फ्यूजन पाई जाती थी कि जी कौन सी वैक्सीनेशन लगवाए वो चाइनीज है जर्मन है रशियन है अमेरिकन है तो वो कन्फ्यूजन थी बट मैंने ये कहा कि आप जो मोस्ट डिमांडिंग वैक्सीनेशन वो लगाएं चाइनीज ज़्यादातर पाकिस्तान में चल रही थी बट अभी दूसरे वैक्सीनेशन भी पाकिस्तान में आ रही है और जो ममालिक कहते हैं कि हाँ बिल्कुल आप वैक्सीनेशन लगवा कर आएँ तो कुछ क्लिफिकेशन ही दे रहे थे अब कैनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर ने क्लिफिकेशन कर दी है कौन सी वैक्सीनेशन लगवा कर आप कैनेडा इंटर हो सकते हैं उस वैक्सीनेशन के जरिए ना तो आपको कॉन्टाइन फोर्टीन डेज का होगा ना आपको गवर्नमेंट के होटल होटल्स में कॉन्टाइन करना होगा ना अपने घर में कॉन्टाइन करना है आपने वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट प्रूफ करके आप हाँ कोविड के टेस्ट आपने लास्ट वो शो करवाना है मैं आपको उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट पर लेके चलता हूँ ताकि आपको आइडिया हो वो क्या कह रहे है। इस हैं इस टाइम हम इमिग्रेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर है फर्स्ट फेज़ ऑफ़ द गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा ईजिंग ऑफ बॉर्डर मेजर्स फॉर ट्रेवल्स एंटर इन कैनेडा एक लंबी लिस्ट है ये प्रेस रिलीज की जारी हुई है इक्कीस जून को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि हमने कोविड के हालात के वाक़ की वजह से हमने बॉर्डर रजिस्ट्रक्शन कम कर दी हैं एज़ फाइव जुलाई पाँच जुलाई को दिन दे, मतलब वो कह रहे हैं ईस्टर्न लाइट डे लाइट टाइम फुली वैक्सीनेट लेवर्स हु आर ट्रेवल टू इंटर कैनेडा विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू द फर्दर रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल्फ क्वारंटाइन यस आप अगर आपका आपने वैक्सीनेशन ली हुई है आपको क्वारंटाइन की जरूरत नहीं है और आपको टेस्ट की जरूरत भी नहीं होगी इवन आठवें दिन अगर जब आप पहले जाते थे कैनेडा इंटर होते थे कैनेडा तो 14 डेज क्वारंटाइन करना पड़ता था उसके बाद आठवें दिन वो टेस्ट करते थे आपका अब वो टेस्ट भी नहीं होगा आपकी इस चीज़ से जो तो दो हज़ार डॉलर आपको कनाडा जाते पे करना पड़ता था होटल क्वारंटाइन के लिए वो भी आप पे नहीं करना पड़ेगा हाँ एक बात ज़रूर कही गई यहाँ पर कि आप क्या आप जाते हैं एयरपोर्ट पे एक टेस्ट होगा आपका वहाँ लेट्स सपोज आपने अपने उस टेस्ट फॉर्म के अंदर अपने घर के एड्रेस और मुतबादल क्वारंटाइन अपने वो सिस्टम देना है कैसे फॉर एग्जाम्पल आप जाते हैं आपको टेस्ट पॉजिटिव निकल आता है तो आपने उसका कोई मुतबाद आपने क्वारंटाइन का प्लान देना है कि गवर्नमेंट को एयरपोर्ट के ऊपर अराइव कैन की एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करनी है उसके जरिए सारी एप्लीकेशन अपनी फुल फिल करनी है यहाँ पर लिखे जी क्वारंटाइन ऑबी टेस्ट ऑफ कोविड नाइनटीन ऑन दिन एट्थ डे एथ डे भी आपको टेस्ट नहीं किया जाएगा एडिशनी फुली वैक्सीनेटेड एयर ट्रेवल्स विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू स्टे इन गवर्नमेंटल लाइसेंस होटल आपको वहाँ भी स्टे करने की जरूरत नहीं है टू तो बी कंसिडर्ड फुली वैक्सीनेटेड ट्रेवल मस्ट रिसीव ऑल डोज ऑफ सीरीज कोविड नाइन्टीन वैक्सीन यस आपको दोनों डोजेज रिसीव करनी होंगी अच्छा यहाँ पर कौन सी वैक्सीनेशन करवाने की जरूरत है ये यहाँ बड़ा अच्छा सिस्टम है यहाँ पे क्लियर करेंटली दीज वैक्सीन आर मैनुफैक्चर्ड बाई फाइजर मोडोना एस्टाजेनिका कोविशील्ड एंड जॉनसन एंड जॉनसन ये चार वैक्सीनेशन है कोविड नाइन्टीन जिसपे आप अगर इन आपने ये करवा ली है तो कैनेडा ईजिली इंटर हो सकते हैं मैं रिपीट कर दूँ यहाँ पर फाइजर मोडरोना एस्ट्राजेनिका कोविडशील्ड का नाम भी है और जॉनसन एंड जॉनसन ये एक फील्ड एजेंसी जा, ने अमेरिकन आईगेस वैक्सीनेशन है ट्रेवलर्स कैन रिसीव दैर वैक्सीनेशन इन एनी कंट्री आप किसी भी मुल्क में मौजूद है आप वहाँ से वैक्सीनेशन करवा कर ट्रेवल कर सकते हैं यस

बाकी कोई ऐसी खास टेस्ट नहीं हाँ अराइव कैन जो एप्लीकेशन है वो आपने लाजमी डाउनलोड करनी है उसके ज़रिए कम्प्लीट इंफॉर्मेशन आपने सेंड करनी है जो लोग फुली वैक्सीनेटेड नहीं है वो ट्रैवल नहीं कर सकते यहाँ क्लियरली मैंशन है फॉर ट्रैवलर्स हु आर नॉट फुली वैक्सीनेटेड बॉर्डर्स मेजर्स करेंटली इम्पोज बाई देंडिडेट मेन्स अनचेंज उन उनके लिए सेम पुराने रूल्स लागू होंगे कि जी आप ट्रैवल नहीं कर सकते बॉर्डर्स बंद आपके लिए यहाँ पे इस लेटर के अंदर दोस्तों ऐसे कहीं मेंशन नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फॉर एग्जाम्पल सिर्फ सिर्फ कैनेडियंस का नीम मैंशन सिर्फ कैनेडियन आ सकता है ये मैंशन नहीं है ये कहीं मैंशन नहीं है कि जी आप आ, जो है वो पी ए वाले आ सकते हैं सब के लिए कहा गया है ये यही कहीं इस लेटर के अंदर कहीं मैंशन नहीं है कि फ्लां लिमिटेड लोग आ सकते ऐसा कुछ भी नहीं है सब आ सकते हैं जो कोविड नाइन्टीन के रूल्स को फॉलो करेंगे ट्रैवल डिस्ट्री के रूल्स को, को फॉलो करेंगे आप कनाडा जा सकते हैं मैं एक बात यहाँ पे ऐड करता चलूँ इस टाइम कनाडा के अंदर हालात ग्राउंड रियलिटी ये कह रहे हैं कि मोर देन फिफ्टी परसेंट लोगों को फुली वैक्सीनेटेड जो डोजेज़ हैं वो दे दिए गई हैं जिसकी वजह से कैनेडा अब रिसेंटली ओपन हो रहा है आस्था आस्ता, आस्ता उनकी जो है ना वो कंपनीज हैं जो बाकी मामला वो ओपन हो रहे हैं तो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये मैंने तो चाहा आप लोगों को दूँ कि काफ़ी लोग बेचारे पाकिस्तान में यहाँ पे कुछ मेरी बहनें फैमिलीज़ बैठे हुई हैं कुछ स्टूडेंट्स हैं वो जाना चाहते हैं इस बॉर्डर मैनेजमेंट की वजह से जो यूनिवर्सिटीज ने स्टूडेंट्स को रोका हुआ इन शाला वो भी ओपन कर देंगे वो अपने स्टूडेंट्स को कैनेडा में वेलकम करेंगे आने वाले दिनों में मजीद कैनेडा बॉडर रिस्ट्रिक्शन कम करेगा बट मेरा मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने वैक्सीनेशन ले ली है या लेनी है तो अगर कैनेडा ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं या यूरोपियन कंट्री का प्लान कर रहे हैं आई थिंक ये फोर जो डोजेज हैं ये फोर जो वैक्सीनीशन हैं जिनका नाम है ये आप लें और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपका फायदा होगा इसका इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए तक के लिए अल्लाह